हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ किचन पर किचन टिप्स का रिलेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ पहली बार, और भी बहुत सारे किचन टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ फ्यूचर में। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। इस वीडियो में आप जो रूटीन लाइफ में किचन में रिलेटेड चीज़ें इस्तेमाल करती हैं उससे रिलेटेड किचन टिप्स आज मैंने शेयर किया है इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बाजू वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए। चलिए देखते हैं इन टिप्स को, तो जान लेते हैं पहला वाला टिप है हमारा, जब हम एप्पल को कट करते हैं घर पर, और हम तो बच्चों के लंच बॉक्सेस में कोई ना कोई फ्रूट्स तो डाल कर देते ही हैं। अगर वो ग्रेप्स हो या अनारदाना हो तो वो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, बट एप्पल को जब कट करेंगे और स्टोर करेंगे तब उसका कलर चेंज होगा लिटिल बिट। आपने ऑब्जर्व किया होगा वो स्लाइट रेड कलर में चेंज होगा। तो इसके लिए मैं बहुत बढ़िया टिप आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो पहले एप्पल को लेकर इस तरह से पीसेस की तरह कट कर लीजिए। तो पीसेस की तरह कट करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से इसके ऊपर का वेस्ट जो है वो निकाल लीजिए, और इस तरह से एप्पल के पीसेस को लेकर साइड में रखकर इस तरह से घर पर लेमन तो होगा ही, तो इस तरह से लेमन को लेकर इस पर थोड़ा सा रब कर लीजिए। तो इस तरह से रब करने से इन एप्पल के पीसेस का कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, तो रेड कलर में टर्न नहीं होगा। या फिर आप एप्पल को कट करके फिर से पीसेस को जॉइन करके उसके एक बैंड की मदद से फिर से क्लोज भी करके रख सकते हैं, इससे भी उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस में डालकर पैक कर कर उन्हें दे सकते हैं। आपके बच्चे बिना कोई टेस्ट के फ़र्क के या कलर के डिफरेंस से खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकेंड टिप को। तो सेकेंड टिप हमारी है, जब हम बहुत सारे बिस्किट्स मॉल्स से ख़रीद कर लाते हैं तो हमें कन्फ्यूजन रहती है कि इनको स्टोर कैसे किया जाता है ताकि ये फ्रेश रहें। अगर आप इसको ऐसे ही स्टोर करेंगे ओपनली तो ये तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, चाहे वो क्रीम बिस्किट्स हो या फिर नॉर्मल बिस्किट्स हो। आप इसको बहुत अच्छे से बिना कोई टेस्ट डिफरेंस के, बिना कोई लॉस ऑफ क्रिस्पीनेस के स्टोर कर सकते हैं, जिसके लिए हमें एक एयरटाइट कंटेनर को लेना होगा और इस पर थोड़ा सा नमक को डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने रॉक सॉल्ट को लिया है। तो इस तरह से इसके बेस में नमक को डालने के बाद इस पर देखिए एक टिश्यू पेपर को रख दीजिए। एक टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल पॉलिथीन पेपर भी ले सकते हैं आप। तो इस तरह से पेपर को रख देने के बाद आप इसमें जो बिस्किट्स आप स्टोर करना चाहती हैं उन बिस्किट्स को आप बड़ी आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इसका क्रिस्पीनेस भी कोई फ़र्क नहीं होगा और इसका टेस्ट में भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए इस टिप को आजमा के। और दूसरी वाली टिप है, अगर आप रेनी सीजन्स में बिस्किट्स को स्टोर कर रहे हैं तो इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर दूसरा भी तरीका है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जिसके लिए देखिए सेम इसी तरह से एयरटाइट कंटेनर बॉक्स को ले लीजिए। तो इस पर थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना शुगर को स्प्रिंकल कर दीजिए। तो शुगर को डालने के बाद आप देखिए इस तरह से कोई भी, चाहे वो क्रीम बिस्किट की पैकेट हो या नॉर्मल बिस्किट की पैकेट, आप इसको ओपन करके आप जिसमें हमने शुगर को डाला है उस वाले बॉक्स में इसको प्लेस कर दीजिए। तो शुगर से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा बिस्किट्स में, और इसके क्रिस्पीनेस भी बहुत अच्छा रहेगा और इसका टेस्ट में भी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आप ज़रूर इस टिप को आजमाइएगा, जिससे आपके बिस्किट्स जो हैं वो बड़े लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। तो इस तरह से इसको लिड को कवर करके साइड में रख दीजिए, इसको 1 मंथ तक आप फ्रेश रख सकते हैं इस टिप से। तो चलिए देखते हैं थर्ड टिप को। तो थर्ड टिप हमारी है कि हम सूजी या फिर रवा जब लाते हैं इसको फ्रेश कैसे रख सकते हैं, मतलब इसमें बहुत जल्द कीड़े पड़ने के चांसेस होते हैं तो इससे बचा कर कैसे रख सकते हैं। मैं यहाँ पर उपमा रवा कैसे स्टोर कर सकते हैं उपमा बनाने के लिए वो शेयर करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर दोनों रवा को मिक्स करके रखती हूँ अपने घर पर। यहाँ पर मैं ले रही हूँ नॉर्मल लपसी रवा एंड सेकेंड ले रही हूँ नॉर्मल रवा, मतलब सूजी आप कहते हैं ना, तो सूजी। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इन दोनों रवा को लेकर इसमें से जो भी वेस्ट है उसको निकाल कर इसको रोस्ट करके स्टोर करती हूँ। वो प्रोसेस मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। देखिए इस तरह से कोई भी प्लेट को बर्तन को ले लीजिए और इसमें जो आपने रवा को लिया है उसको डाल लीजिए और एक बार चेक कर लीजिए कि कोई वेस्ट वगैरह या फिर स्टोन्स वगैरह कुछ हो तो आप इसको क्लीन कर लीजिए। तो इस तरह से चेक कर लेने के बाद अब हमें इसको
रोस्ट करना होगा। तो जिसके लिए आप एक पैन को ले लीजिए। तो इस तरह से पैन हीट होने के बाद देखिए इस रवा को जो हमने क्लीन करके रखा था उस रवा को डाल लीजिए। तो इस रवा को अगर आप हाई फ्लेम पे रखकर छोड़ देंगे तो ये रवा ना पूरा से पूरा जल जाएगा। तो इसीलिए ना फ्लेम मीडियम रखकर इसको कंटिन्यूसली स्टिर करते हुए रोस्ट करना पड़ेगा जब तक कि इसके कलर डिफरेंस ना हो जाए, जब तक इस ये रवा जो है अपना अरोमा ना छोड़ दे। तो देखिएगा इस तरह से मीडियम फ्लेम रखकर इसको कंटिन्यूसली स्टिर करते हुए रोस्ट करना होगा। आप देख सकते हैं पहले हमारा रवा था ऊपर जो पिक मैंने दिखाया आपको उस कलर में था, बट आप देखिए इस रवे का कलर जो है कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब हमारा बढ़िया सा रवा भून चुका है। तो अब इसको और एक टिप जो है, इसको ऐसे ही अगर आप हॉट हॉट स्टोर करेंगे बॉक्स में डालकर तो इसमें ये रवा जो है वो ख़राब होने के चांसेस बहुत हो सकते हैं। तो इस रवा को ना आप ठंडा करना होगा। तो ठंडे होने के बाद इसको आप स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से सूजी जो हमने लिया है इसको भी ऐसे ही रोस्ट कर लीजिए मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए यहाँ पर दोनों रवास को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। ये था हमारा लपसी रवा और ये था सूजी जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है। आप इस तरह का कोई भी एयरटाइट कंटेनर को ले लीजिए और इस एयरटाइट कंटेनर में आप लेयर बाय लेयर दोनों रवास को डालकर मिक्स करके स्टोर कर लीजिए। अगर आप सिंपल सूजी यूज़ करते हैं या फिर सिंपल उपमा रवा या लपसी रवा यूज़ करते हैं तो आप सिंपल उसको भी ऐसे ही रोस्ट करके स्टोर कर सकते हैं सेम ऐसे ही। बट इससे जो है रवा जो भी हो आप अगर रोस्ट करके उसको स्टोर कर रहे हैं मतलब उसमें कोई भी कीड़ा वगैरह पड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब अगर आप इसको 3 मंथ्स तक भी स्टोर करेंगे ना तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं फोर्थ टिप के बारे में। तो यहाँ पर मैं फोर्थ टिप शेयर करने वाली हूँ ब्यूटी टिप के बारे में। मतलब आप किचन के रिलेटेड चीज़ों से ही अपने ब्यूटी का भी ध्यान कैसे रख सकते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपको पता ही होगा कि आजकल इन दिनों घर के कामकाज में ना खुद का ध्यान रखने का समय ही नहीं रहता। तो इस समय पर आप खुद का ध्यान बड़ी आसानी से रख सकते हैं। आप जानते ही हैं कि हर रोज़ हम टोमेटो का यूज़ तो करते ही हैं। तो इस तरह से जब आप टोमेटो कट कर रहे होंगे इसका जूस तो आपको पता ही है निकलेगा ही। तो इस तरह से इस टोमेटो जूस को लेकर अपने फेस पर जस्ट स्क्रब करते रहिएगा हर रोज़। तो इससे आपका कलर जो है वो एकदम ब्राइट होगा, इससे आपकी टैनिंग दूर होगी। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ टिप को। तो फिफ्थ टिप है दूध से रिलेटेड 2 टिप्स। यहाँ पर दूध तो हम हर लोगों के घर में हर रोज़ इस्तेमाल किया ही जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं 2 टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। जब आप दूध को बॉयल कर रहे होंगे तो आप डायरेक्टली इसको बॉयल मत कीजिएगा। जब आप पैन में दूध को डाल रहे हैं उससे पहले आप इसके बेस में थोड़ा सा पानी ले लीजिए ताकि वो पैन से टिक ना हो पाए। मतलब अगर आप डायरेक्टली इसको बॉयल करेंगे तो इस ये दूध जो है वो नीचे लगने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से आप पानी को डालकर इसको बॉयल कर लीजिएगा। तो देखिएगा इस तरह से सेकेंड टिप जो है, अब जब दूध इस तरह से उबाल आ रहा होगा आप अगर भूल जाएंगे तो आपका स्टाउ जो है वो पूरा बेकार हो जाएगा। अगर आप इस तरह से कोई भी वुडन स्पैचुला या फिर वुडन ऑब्जेक्ट जो भी है उसको अच्छे से धोकर इस पर प्लेस कर देंगे तो दूध का उबाल जो आ रहा है वो धीरे से थम जाएगा। मतलब ये ऊपर की तरफ नहीं आएगा और आप इससे आपका स्टाउ जो है वो भी गंदा नहीं होगा। तो इस वाले टिप को ज़रूर आसमा के देख लीजिएगा। तो बड़ी तो चलिए देखते हैं सिक्स्थ टिप को, फाइनल टिप को, जो कि है यहाँ पर आप जब घर पर राइस कुक कर रहे होंगे तो इसको आप अगर फुला फुला सा बनाना चाहते हैं और इसको परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ। जब इस तरह से आपका चावल जब पक रहा होगा तो आप क्या कीजिए, थोड़े से तेल को इसमें डाल दीजिए। मतलब 1 या 2 टीस्पून ऑयल को इसमें ऐड कर देंगे और नॉर्मल राइस की तरह ही कुक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका खाना जो है वो अच्छे से फुला फुला बनेगा। तो आज के लिए ये थे हमारे 6 यूज़फुल किचन टिप्स पार्ट 1 में। तो नेक्स्ट और भी बहुत सारे किचन टिप्स लाने वाली हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बाजू वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।